देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को सब कुछ सामान्य चल रहा था। कुछ दिन पहले तक हिंसा की आग में सुलगती नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी जिंदगियां धीरे धीरे पटरी पर लौट ही रही थी कि रविवार की शाम अचानक दिल्ली में दंगे और हिंसा की अफवाहें फैल गईं। देखते ही देखते ये अफवाहें दिल्ली के हर कोने में फैल गई। दिल्ली के कई इलाकों में देर शाम दुकानों के शटर नीचे गिरने लगे और भगदड़ मच गई। एहतियात के तौर पर फौरन दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन यानी DMRC ने 7 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी। लोगों में ये खबर तेजी से फैली कि तिलक नगर, रजौरी गार्डन, खयाला, बदरपुर इलाके में हिंसा हो रही है। कई लोगों ने गोलियां चलने की भी अफवाहें उड़ाई, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस अफरा तफरी के बीच दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम अधिकारी तुरंत सड़कों पर उतर आए और जिन इलाकों में अफवाहें फैली वहां फ्लैग मार्च शुरू कर लोगों को समझाना शुरू कर दिया। पूरी दिल्ली में जगह जगह चेकिंग शुरू की गई, जिसके बाद ये साफ हुआ कि दिल्ली में कहीं भी हिंसा या फिर दंगे जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये महज एक अफवाह थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और बाकायदा लाउड स्पीकर से भी अनाउंसमेंट कर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और किसी भी खबर की पुष्टि पहले पुलिस से करें। दरअसल ये अफवाह ऐसे ही नहीं फैली। इस अफवाह की शुरुआत दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके से हुई, जहां पर सट्टा खेल रहे कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा और वहां पर पुलिस के आने से भगदड़ मची और आसपास अफवाह फैल गई कि एक बार फिर दंगा शुरू हो गया है, जिसके बाद देर रात राजधानी के अलग अलग इलाकों में लोगों की रात दहशत में गुजरी। क्योंकि जाहिर है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा का वो भयावह मंजर शायद ही कोई भूला होगा, लेकिन महज एक अफवाह कैसे एक अच्छे खासे माहौल को पलक झपकते ही बिगाड़ सकती है, इसकी तस्वीरें भी कल दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सामने आई है। इसलिए हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि अफवाहों पर भरोसा ना करें। फिलहाल दिल्ली पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।